आज मैं जो पॉइंट डिफाइन करने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। गान आर द डेज, वह दिन चले गए, यानी कि ये ऐसा सेंटेंस है जो हमेशा बोला जाता है, अक्सर लोग यूज किया करते हैं, गान आर द डेज, यानी कि वह दिन चले गए। जैसे कह दिया जाए, वह दिन चले गए जब हम क्रिकेट खेला करते थे, वह दिन चले गए जब हमारे यहाँ बहुत से लोग रहा करते थे, इस तरह के सेंटेंस अक्सर आम बोलचाल में आता है। इसको बनाने का मैंने एक आसान तरीका लाया है, आसान मेथड के द्वारा आप इस सेंटेंस को, इस तरह के सेंटेंस को बना सकते हो। इसका रूल्स मैं बता रहा हूँ। जैसे है गान आर द डेज, वह दिन चले गए, इस तरह सेंटेंस आया तो पहले आपको क्या करना है, गान आर द डेज लिखना है, उसके बाद वेन लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट कर देना है, उसके बाद यूज्ड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। पहले गान आर द डेज, उसके बाद यहाँ पर वेन लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट करना है, यूज्ड टू लिखना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, जैसा कि मैंने इस रूल्स में बताया है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कह दिया जाए, वह दिन चले गए, ओह दिन चले गए, जब मैं खाना बनाया करता था, या फिर वो दिन चले गए जब मैं खाना बनाया किया करता था, चाहे जो कहो, वो दिन चले गए जब मैं खाना बनाया करता था। अब इस सेंटेंस को आप जब बनाओगे तो पहले क्या रहेगा, गान आर द डेज, गान आर द डेज लिखो, गान आर द डेज, उसके बाद क्या है, वेन, जब के लिए वेन लगाओ, वेन, उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मैं को इंग्लिश में आई, उसके बाद यूज्ड टू, आई यूज्ड टू, उसके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, बनाना, कुक, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, फूड है, यानी खाना बनाया करता था, हो गया कंप्लीट सेंटेंस। गान आर द डेज व्हेन आई यूज्ड टू कुक फूड, वो दिन चले गए जब मैं खाना बनाया करता था। इसी तरह से जैसे कह दिया जाए, ओह दिन चले गए, ओह दिन चले गए, जब मैं स्कूल जाया किया करता था, वो दिन चले गए जब मैं स्कूल जाया किया करता था, या फिर जाया करता था। अब इस सेंटेंस को कैसे बनाया जाएगा, पहले गान आर द डेज, गान आर द डेज लिखो, गान आर द डेज, उसके बाद क्या है, वेन लगाना है, जब के लिए वेन लगा दो, उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं, आई लगाओ, उसके बाद क्या है, यूज्ड टू, यूज्ड टू, उसके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, जाना, गो, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, गो टू स्कूल, वह दिन चले गए जब मैं स्कूल जाया किया करता था। गान आर द डेज व्हेन आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, यानी कि जिस तरह से मैं रूल्स बताया हूँ, इसी रूल्स के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस बनाना है, बहुत ही आसानी के साथ सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगा, जिस तरह से मैं सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पर बनाकर आपको बताया हूँ। जैसे कहा, पहला सेंटेंस क्या बताया, वह दिन चले गए
जब मैं खाना बनाया करता था। पहले रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने सेंटेंस को रखा गॉन आर द डेज, गॉन आर द डेज। उसके बाद क्या है, बेन मैं बताया हूँ, बेन लगा दिया। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई, यूज्ड टू का यूज किया मैंने। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, बनाना, कुक मीन्स बनाना होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, यानी कि खाना बनाया करता था। वो दिन चले गए जब मैं खाना बनाया करता था। दूसरा सेंटेंस क्या है, वो दिन चले गए जब मैं स्कूल जाया किया करता था। अब यहाँ पर क्या है रूल्स आपका, गॉन आर द डेज, गॉन आर द डेज। उसके बाद वेन मैं बताया हूँ, वेन लगा दिया हूँ। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई लिखा। उसके बाद यूज्ड टू, यूज्ड टू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब इसमें क्या है, जाया, यानी जाना जो है वर्ब है, गो लगाया। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट स्कूल है, स्कूल मैंने रख दिया। कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर मैं ही रहे, तुम भी हो सकते, कुछ भी हो सकता है। सब्जेक्ट सिर्फ मैं समझाने के लिए आपको यहाँ पर मैं लगा दिया हूँ। इसी तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह से हमारे और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और हमारा भी हौसला अफजाई होता रहे। इसी तरह से नए नए सेंटेंस आप तक रोज़ मैं लेकर आता रहूँगा। थैंक्स।